हेलो बच्चों, जबरदस्त क्वेश्चन क्लास 11th के बच्चों के लिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। और इसे समझने के लिए आपको बहुत ही आराम से कुछ पॉइंट्स हम बता रहे हैं, पहले उनको समझ लें, उसके बाद हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताएं। देखो बेटा, अगर मैं आपसे बात करता हूं 9 × 27 × में अगर मैंने लिखा है 54 × 63 और × में आपका मान लीजिए 81 लिख दिया, ये हमारा ये सब इंटू है, इंटू का साइन है, ठीक है। इसी को हम ऐसे लिख दे रहे हैं, 9 + 27 + 54 + 63 + 81। हमने कहा 9 कॉमन लो, सबसे 9 कॉमन आ रहा है, तो 9 सबसे कॉमन आएगा, तो सभी को 9 से डिवाइड करेंगे, 9 × 27 = 9, 9 × 54 और 9 × 67 = 63 और 9 × 81, ये होगी। तो ये 9 कॉमन, लेकिन अगर कई सारे टर्म इंटू में लग रहा है 9, लेकिन वो इंटू में अगर है तो फिर कॉमन लाने वाली बात खत्म करो, फिर कॉमन का कॉन्सेप्ट नहीं होता भाई। ये बताइए, अगर मैंने कहा ए बी इंटू 2ab तो क्या कॉमन आएगा? तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ए और ए, ए स्क्वायर बी और बी, बी स्क्वायर, इस तरीके से हो जाएगा। तो कॉमन का कॉन्सेप्ट नहीं होगा जब इंटू उनके बीच में। तो अगर इसको डिटेल में समझा जाए तो हम एक प्रकार कह सकते हैं 9 × 1 9 × 3, ये हो गया 9 × 6 और ये 9 × 7 और ये 9 × 9। तो एक प्रकार से मेरे बच्चों इसे फील करना है, तो अगर इसे फील करोगे तो एक प्रकार से 9 × 1 लिख सकते हैं, 9 × 3 लिख सकते हैं और ये 9 × 6 लिख सकते हैं और ये 9 × 7 लिख सकते हैं और 9 × 9 लिख सकते हैं और ये देखा जाए सभी इंटू में है। तो अब ये बताइए, जो हम कॉमन वाली बात कर रहे थे, हम यहां पे इंटू में कहेंगे कॉमन है, लेकिन हर एक का 9 बाहर इंटू में आता चला जाएगा। तो ये आप काउंट करो कितने से आपने 9 बाहर निकाला, 1 2 3 4 5, एक प्रकार से समझो उनके 9 आपस में मल्टीप्लाई, इससे 9 बाहर गया, इससे 9 भी बाहर गया, इससे 2 हो गए, 3 और ये 4 5, यानी जितने टर्म मेरे हैं उनसे हम 9 कॉमन ले रहे हैं, यानी 9 को बाहर कर रहे हैं, तो ये 9 की पावर 5 हो जाएगी। और इधर सबको 9 से डिवाइड कर दीजिए, 3 और 6 और 7 और ये 9, इस तरीके से हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है। यानी हम कहते हैं कि बीच में प्लस का साइन होगा तब हम कॉमन लेते हैं, लेकिन अगर हम इंटू का साइन है तो हम कॉमन लेने का मतलब वो इससे भी, तो वो इंटू होता जा रहा, वो 9 इससे भी बाहर है, वो बाहर आता चला जा रहा, इंटू होता चला जा रहा, वो इंटू होते चले जा रहे। तो यहां पर 5 से कॉमन लिया तो 5 9 हमारे बाहर होंगे, तो वो आप 9 × 9 ना लिख के 9 की पावर 5 लिखो, पता चल जाए कितने टर्म्स है मेरे। सबसे हमने 9 9 निकाला तो वो 9 की पावर, जितने अगर 100 हैं टर्म्स उन सबसे 9 लिया तो 9 की पावर 100 हो जाएगी। तो चलिए ये भी बात क्लियर है। और फैक्टोरियल के बारे में बता दें, जैसे 10 फैक्टोरियल लिखा है, इसका अगर मतलब देखा जाए मेरे बच्चों, तो इसका मतलब है 1 से लेकर 10 तक जो मल्टीप्लाई हो रहा है वही हमारा 10 फैक्टोरियल है। 5 फैक्टोरियल का मतलब 1 से लेकर 5 तक जो मल्टीप्लाई कर रहे हो वही हमारा 5 फैक्टोरियल है। और आप बच्चों को बता दें कि कोई भी ऑड नंबर है, जैसे 10 फैक्टोरियल हमने लिखा तो 10 फैक्टोरियल इवन है, इससे पहले 9 एक कम कर दो तो 9 ऑड होगा, फिर इसमें एक कम कर दोगे तो इवन आएगा, तो ऑड इवन ऐसे ही चलता रहता है, ठीक है, नेचुरल नंबर ऑड इवन चलता रहेगा। तो चलिए आइए इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को देखें, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन। तो यहां पर हमने लिया लेफ्ट हैंड साइड, हमें ये प्रूव करना है क्लास 11 का क्वेश्चन, 2n फैक्टोरियल डिवाइड में n फैक्टोरियल। सबसे पहले ये बताइए 1 × 3 × 5 … 2n − अच्छा अगर फील करोगे तो ऑड नंबर की लिस्ट लग रही है ना बेटा। और एक चीज ध्यान रखना, किसी भी नंबर में 2 का मल्टीप्लाई करोगे 2n हमारा इवन नंबर होगा, 2 का मल्टीप्लाई करने से वो नंबर हमारा इवन नंबर हो जाए। तो यहां पर ये बताइए जो राइट साइड में आंसर आ रहा है उसमें कहीं भी फैक्टोरियल नहीं है, तो इस फैक्टोरियल को हटाने का तरीका क्या है, 1 से लेकर 2n का मतलब है 1 से लेकर हम 2n तक मल्टीप्लाई में लिखेंगे, ये देखो × … और ये हमारा 2n। क्लियर करिए। अब ये बताइए इससे जस्ट पहले कौन सा आ रहा होगा भाई, 4 से पहले कौन आ रहा है, 3, एक कम करोगे ना, 5 से पहले −1 कर दीजिए 4 आ रहा है, वैसे 2n से पहले कौन आ रहा है 2n − 1 आ रहा है, और ये 2n अगर इवन है तो ये क्या होगा ऑड होगा, साफ साफ पता चल रहा है, ये 2n − 1 हमारा ऑड होगा बेटा, ठीक है। और डिवाइड में देखो मुंह से बोल रहे हैं, अगर नहीं समझ में आ रहा तो 2n − 1 है,
और ये एन फैक्टोरियल। अच्छा ये बताइए जो हमें प्रूफ करना है, जरा ध्यान से देखिए, उसमें ऑड नंबर की लिस्ट है और आप ये बताइए अगर 10 फैक्टोरियल है तो हम ये जानते हैं कि हम 10 तक मल्टीप्लाई में लिखेंगे 6 इंटू 7 इंटू 8 इंटू 9 इंटू 10 और मुझे मालूम है आधे हमारे ऑड नंबर होंगे 2, 3, 4, 5 और आधे हमारे इवन नंबर होंगे 2, 3, 4, 5 तभी हमारे टोटल 10 नंबर्स। अगर हम यहां पर बात करेंगे तो यहां पर हमारे टोटल नंबर्स जो हैं मल्टीप्लाई हो रहे हैं 2n, जिसमें 2n का हाफ करोगे तो आधे यानी n हमारे ऑड नंबर हैं और n हमारे इवन नंबर्स। तो मैंने इसके जो प्रूफ करना उससे ये डायरेक्शन मिली कि ऑड नंबर की लिस्ट है तो मैंने ऑड नंबर की अलग लिस्ट बना दी और ये देखो 2n-1 भी ऑड होगा क्योंकि ये इवन है तो एक कम करोगे ऑड हो जाएगा तो ये ऑड नंबर की लिस्ट में जाएगा। मल्टीप्लाई में लिख दिया कोई दिक्कत नहीं भाई, मल्टीप्लाई हो ही रहा है सब, बस ये है कि ऑड नंबर वालों को अलग मल्टीप्लाई कर दिया, इवन नंबर वालों को अलग मल्टीप्लाई। और जितने भी इवन नंबर है एक बात ध्यान से सुन लीजिएगा, जितने भी इवन नंबर है उन हर एक इवन नंबर से 2 कॉमन आ सकता है, वो 2 वो वाला कॉमन नहीं है प्लस प्लस वाला, वो 2 बाहर निकले मतलब जितने नंबर है काउंट कर लो उतने 2 की पावर लगा लेना। तो यहां पर क्या होगा 2 × 4 × 6 डॉट 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 और ये 2n हो गया और डिवाइड में कितना होगा n फैक्टोरियल। अब ये बताओ बच्चों यहां से लेकर यहां तक कितने टर्म्स होंगे, हम फील होना चाहिए n ऑड नंबर्स होंगे, एन हमारे क्या होंगे ऑड नंबर्स और यहां से लेकर यहां तक हमारे क्या होंगे n इवन नंबर्स, तभी तो दोनों को ऐड करोगे कितना हो जाएगा 2n नंबर्स, नहीं हो जाएगा n में n ऐड करोगे 2n नंबर, 2n नंबर है टोटल। तो यहां से क्या करेंगे आप देखो इसको जरा समझिएगा, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद हमने लिखा 1 × 3 × 5 डॉट 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 2n-1 और इधर हो जाएगा, अब ये 2 कॉमन आएगा तो अगर इससे 2 और ये 2 ये n 2 बाहर आएंगे तो 2 की पावर n हो जाएगा, सबसे मैंने 2 बाहर निकाला तो सब में 2 का डिवाइड कर दीजिए 3 डॉट 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 और n हो गया और डिवाइड में कितना है बच्चों डिवाइड में n फैक्टोरियल। अब आपको खुद ही फील हो रहा होगा यहां पर कितना होगा 1 × 3 × 5 डॉट 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 2n-1 और ये हो गया 2 की पावर n और n2 में आप देखो ये 1 से लेकर n तक मल्टीप्लाई हो रहा है तो सर जी n फैक्टोरियल होगा, बिल्कुल n फैक्टोरियल होगा और ये n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कैंसिल और हमारा आंसर 1 × 3 × 5 डॉट 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 2n-1 n2 में 2 की पावर n इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गया है और ये हमारा क्वेश्चन प्रूफ हो गया है। तो देखिए कितना कमाल का क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू।